असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला शौकत संधू की हदायत पर प्राइज मजिस्ट्रेट मलक तसव्वुर की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आमिर शाह से। जी आमिर शाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की हदायत पर तहसील जड़ावाला के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलक तसव्वुर साहब की रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, मुख्तलिफ दुकान और मुख्तलिफ पम्प्स को भी चेक किया गया है। जो दुकानदार हैं जो सरकारी नरख नमों से ज़ायद चीज़ें दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। आज हमारे साथ ये विज़िट किया और जो प्राइस हाइक जड़ावाला में थी उसको कंट्रोल करने में हमारे साथ तआवुन किया। जी असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह संधू साहब की हदायत के मुताबिक हमने दूर दराज एरियाज में, जैसा कि ये रुडाला है, जसुआना, सत्याना है, बुचाना है, मकुआना है, मुख्तलिफ एरियाज में पिछले 15 दिन से हम जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मौजूद है या डीजल मौजूद है या नहीं है। आपने मजिस्ट्रेट की बात सुनी, इनका कहना है कि तो सब्जी वाले और किराना दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो सरकारी नरख नामों से ज़ायद चीज़ें दे रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं और वार्निंग भी उनको दी जा रही है। अगर हम आटे की बात करते हैं तो इनकी हतल वसा कोशिश ये है कि आटे की ज़्यादा से ज़्यादा जो किल्लत है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देना असिस्टेंट जो तहसील जड़ावाला की एडमिनिस्ट्रेटर है, इनका अवलीन जो फ़र्ज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मलक सफर साहब जो है मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल, इन्होंने आज मुख्तलिफ दुकानों पर कार्रवाइयाँ भी की हैं और जुर्माने भी आयद किए और कुछ अफराद को जो है उन पर FIR भी दर्ज की है। जी